अनामिका सिंह, इंडियन न्यूज के टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत है। शाहीन बाग प्रदर्शन पर बोले दिलीप घोष, कोई मर क्यों नहीं रहा, क्या उन्होंने अमृत पी लिया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर सवाल किया है और पूछा कि आखिर यहां कोई प्रदर्शनकारी मर क्यों नहीं रहा है। दिलीप घोष ने मंगलवार को पूछा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को कुछ क्यों नहीं हो रहा, जबकि वे दिल्ली के भीषण ठंड में खुले में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बंगाल में सीए और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी से घबराए लोग खुदकुशी कर रहे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे पर ओवैसी बोले जगह बताइए अनुराग ठाकुर, मैं आता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक रैली के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता अनुराग ठाकुर के कथित देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं अनुराग ठाकुर को चैलेंज देता हूं कि वो भारत में एक जगह तय करें जहां वे मुझे गोली मारेंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। वहीं चीन से लौटी छात्राओं ने बयां किया दर्द, कमरों में कैद है जिंदगी। कोरोना वायरस के खौफ के कारण चीन में जिंदगी ठहर गई है, लोग कमरों में कैद है, बगैर मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर रोक है। आलम यह है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर रहने वाले छात्रों के प्रवेश पर भी रोक लग गई है। मेरे साथ पढ़ने वाले 20 से अधिक भारतीय छात्र चीन में अपने कमरों में बंद है, यह कहना है चीन के झिलीन मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र शालीन सिंह का। शालीन जनवरी के दूसरे हफ्ते में शहर आ गई। उन्होंने बताया कि चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, हर नागरिक दहशत में है। झिलीन में भी 3 मरीजों में पुष्टि हुई है। इसके बाद झिलीन मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खौफजदा हो गई है। वहीं बिहार के शिक्षक 17 फरवरी से जाएंगे हड़ताल पर। सूबे के नियोजित और नियमित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर रहेंगे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने मंगलवार को यह ऐलान किया है। साथ ही हड़ताल के दौरान मैट्रिक परीक्षा में विषित इंटर और मैट्रिक कॉपी का मूल्यांकन, बीएलओ जनगणना सहित सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति में कुल 28 संगठन शामिल है, इसके करीब 4 लाख शिक्षक सदस्य हैं। समिति में एग्जीबिशन रोड स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक हड़ताल करेंगे। वहीं SC ST थाने में रखा गया सर्जिल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने की पूछताछ। अब से गिरफ्तार कर पटना लाने के बाद विवादित बयान देने वाले JNU के छात्र सर्जिल इमाम को महिला थाने के बगल में स्थित SC ST थाने में रखा गया। बुधवार को पुलिस टीम उसे लेकर दिल्ली जाएगी।